ये देखो भाई, गाड़ी पे भी पूरी स्नोफॉल जम चुकी है और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो धूप निकल चुकी है जहाँ तक, पिघल जाएगी थोड़ी देर में। कि ये है मॉर्निंग व्यू, और जो यहाँ पे अभी आप बादल देख रहे थे वो जा चुके हैं। बिल्कुल पीसफुल लोकेशन। अभी फिलहाल जो है वो हम भाई जिसपा में कल रात का स्टे हमारा यहीं भी रहा था, और इससे आगे हम डारचा तक गए थे, लेकिन हमारी लेह लद्दाख की ट्रिप वहीं पे एंड हो गई थी क्योंकि आगे का रास्ता बंद था हैवी स्नोफॉल की वजह से। बाकी ये है भाई जिसपा की लोकेशन। जैसे कि आप देख रहे हो, सूरज निकल चुका है ऊपर और काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। दारचा भाई, हमारा लेह लद्दाख की ट्रिप कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे हम? आप जो है अपना हिमाचल एक्सप्लोर करेंगे नीचे की साइड का, तो मोस्ट प्रोबेबली हम रोहतांग पास तक जाएंगे। बाकी इस वीडियो में बने रहिए, आगे जाके पता चलेगा कहाँ पे जाते हैं। जो भाई नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो भाई बने रहिए जर्नी में, मिलते हैं, बाय। तो भाई ब्रेकफास्ट आ गया है, पराठे पराठे आ गए, चाय आनी बाकी, चाय आनी और बाकी है। और तीन दिन से हम पराठों पर जिंदा है। एक बार तो भाई को पराठा 100 रुपए का पड़ गया था, एक जगह गिलास तोड़ दिया उसने, 50 का पराठा 100 रुपए का दिया भाई को। थैंक यू ब्रो। तो भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर। नहा भी लिए भाई, नहा भी लिए। अब दोबारा जा रहे हैं जहाँ रोड बंद हो रखी थी, देखते हैं कि वहाँ जाकर रोड खुली है या नहीं। हाँ, उसका अपडेट लेते हैं एक बार, उसका अपडेट लेते हैं। तो भाई ये है जसपा और अभी फिलहाल है हम 10,890 फीट पर। काफी ज्यादा हाइट है यहाँ पे और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो जाम लगा हुआ ट्रक का है, वे सारे ट्रक जो है लेह और मनाली जाने थे, लेकिन रास्ता खराब और मनाली पीछे रह गया भाई, मनाली से ले जाने थे आगे रास्ता बंद होने की वजह से। ये भी अभी लाइन में यहाँ पे वेटिंग पे है, तो ये पता जा रहा है कि एटलीस्ट 3-4 दिन बाद यहाँ का रास्ता खुलेगा। तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा जाना वहाँ के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से अब जसपा से दोबारा वापस मनाली या रोहतांग पास की तरफ निकलेंगे। कुछ फोटो ले लेते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। यहाँ अभी लेह लद्दाख हाईवे से नीचे की तरफ गाड़ी लगा देती है, गांव में तीनों गांव है, और यहाँ पे ऐसा अकाल पड़ रहा है कि एक आदमी भी नहीं दिखा यहाँ पे। ये तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे था जिस पर से जहाँ से हम आए अभी, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। रोड इतनी ख़राब है भाई, वन वे रोड, और वो भी टूटी पड़ी है। बाकी ये मतलब टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये अपना खुद का इनका गाँव वाँव है और यहाँ लोकल के लोग ही रहते हैं। तो अब यहाँ से भाई वापस चलते हैं और दोबारा अटल टनल रोहतांग पास वहीं पर लगाएंगे ना। हाँ, देखते हैं कहाँ पे चलते हैं। तो भाई अटल टनल आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ये रास्ता जा रहा है रोहतांग पास के लिए। तो यहाँ पे अभी पुलिस वाले मना कर रहे थे जाने के लिए, आगे की साइड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो हम एक बार देखते हैं, एक रिक्वेस्ट करके कि आगे जाने देंगे या नहीं देंगे। बाकी ये यहाँ से व्यू है काफ़ी अच्छा। तो हमारा तो प्लान रोहतांग पास ही जाने का था, लेकिन अब शायद वो कैंसिल नज़र आ रहा है। ये कैसे टूट रहा है पुराना, बहुत तेज चल रही है भाई यहाँ पे। ये दिखा रहा भाई बोर्ड पे अटल टनल से रोहतांग पास अराउंड 27 किलोमीटर और लेह यहाँ से 396 किलोमीटर है।
तो भाई यहाँ पे रोहतांग पास के लिए तो जाना मना कर दिया है बिल्कुल। सब चीज गल ली हद हो गई, मतलब इतनी दूर तक आए और रोहतांग पास भी जाना नहीं हुआ। अटल टनल हमने क्रॉस कर दी है और इससे बाहर निकलते ही काफ़ी अच्छा नज़ारा मिला हमें यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी स्नोफॉल मिली। अभी भी बारिश हो रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि सोलांग वैली में भी दोबारा स्नोफॉल मिलेगी। और ये यहाँ का पूरा व्यू, तो यहाँ पे थोड़ी फोटोज वोटोज क्लिक कर रहे थे। और बताओ भाई क्या कहना चाहोगे? क्या कहने का चाहेंगे यार, रोहतांग पास नहीं जाना। मतलब वो तो बिल्कुल हद हो गई यार, ना रोहतांग पास और ना ही अपना लेह बारालाचा पास तक भी नहीं जा पाए। चलो कोई नहीं, आगे जो है मनाली जाएंगे सीधा डायरेक्ट। और बीच में भाई रास्ता बता रहा है कि रोहतांग पास का एक इससे पहले से रास्ता कट रहा है, पुराना रास्ता। हाँ, पुराना रास्ता अगर हमें मिलता है तो फिर हम उससे दोबारा जो है अपना रोहतांग पास तक जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं सोलांग वैली से थोड़ा सा नीचे की साइड, और हमारा प्लान था भाई रोहतांग पास जाने का, अनफॉर्चुनेटली यार वो भी कैंसिल हो गया। मतलब इतना बुरा लगा इस बार, ना ही रोहतांग पास जाना हुआ और ना ही हमारा लेह लद्दाख, तो दोनों ही प्लान हमारे ड्रॉप हो गए। और अब सीन कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से सोलांग वैली से दोबारा मनाली की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर अगर कुछ लोकेशन मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए वो करेंगे। यह है कैफे यहाँ पे, इसे जो है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें ऑर्डर दिए, लेकिन अब तक इसने जो है हमें ऑर्डर नहीं दिया भाई। चाय पकौड़ी बनवाई थी अगले से, चाय और पकौड़ी गई थी इससे, इसने अपना लाला करनी थी। बड़ी जल्दी कर दी भैया, ओके ओके। तो भाई हमारी चाय और पकौड़े आ चुके हैं, भाई देर भले ही लगा दी लाने में, लेकिन खाना एक नंबर का बना है। पकौड़े और ये सैंडविच, क्या कहना चाहोगे मोहित? टोस्ट पे क्रीम व्रीम प्याज व्याज डाल कर रखा वो सिस्टम सिस्टम। भैया शाम के बजे है 5 और ये हमारा पूरा आज का डे एंड होने वाला ऑलमोस्ट। काफ़ी अच्छा रहा वैसे दिन, लेकिन जैसा हमने प्लान करा था उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो लेह लद्दाख और रोहतांग ये सारे प्लान हमारे कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। अब फिलहाल फाइनली आ चुके हैं हम ओल्ड मनाली में, और आज रात का स्टे हमारा ही पे होगा। वैसे यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुई, लेकिन एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। अभी और डेज स्पेंड करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो अभी और ब्लॉग भी आएंगे इसके बाद। बाकी ये वाला ये पेंट कर देते हैं, हाँ ये वाला यहीं पेंट करते हैं भाई। लाइक शेयर कमेंट, और भाई शेयर करना इस वीडियो को।